May 6, 2010 नविंदर सिंह सैरो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से $950,000 यानी अराउंड 7 करोड़ एक दिन में ट्रेडिंग से बनाया और 3 मिनट के बाद पूरा यूएस स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट क्रैश हो गया। बड़ा यूएस कंपनीज को ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। सब न्यूज चैनल्स में डिबेट्स और डिस्कशन शुरू हो गया। ये न्यूज पूरा वर्ल्ड को हिला दिया और इसका आफ्टर इफेक्ट्स इंडियन शेयर मार्केट में भी हुआ था। और 5 साल के बाद यूएस रेगुलेटरी कमीशन नविंदर को अरेस्ट कर दिया। इसका पीछे का रीजन क्या है, चलो देखते हैं। द राइस ऑफ नविंदर सिंह सैरो। नविंदर सिंह इसे यूके सिटीजन डे ट्रेडर है। नविंदर वेस्ट लंदन में हाउंसलो में रहता था। उसका स्ट्रीट में पूरा वर्किंग क्लास फैमिलीज रहता था, पूरा आम लोग था उस स्ट्रीट में। फादर नचता सिंह, मदर दलजीत। बचपन से ही नविंदर मैथमेटिकल स्किल्स में मास्टर था। रैपिड थिंकिंग और एनालाइजिंग में भी एक्सपर्ट था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फ्यूटेक्स ट्रेडिंग कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। फ्यूटेक्स कंपनी फ्यूचर ट्रेडिंग में फोकस करती है। फ्यूचर डेट में शेयर्स सेल करने वाले लोग हैं फ्यूचर ट्रेडर्स। यूरोप से आया हुआ ट्रेनर से नविंदर को बेस्ट ट्रेनिंग मिला और अच्छा ट्रेडिंग सीख गया। 6 hours, 8 hours तक वो कंटिन्यूसली काम पे फोकस करते थे। जब वो कॉलेज में था वो कंप्यूटर गेम्स लॉन्ग आवर्स प्ले किया करते थे, इससे उसका फोकसिंग एबिलिटी ज्यादा था किसी भी काम पे। वो बहुत कम बात करते थे, एक मिस्टीरियस टाइप था ऑफिस में। जब ऑफिस कॉलीग्स आपस में बात करते थे तब वो डिस्ट्रैक्ट होते थे, इसलिए वो उसका डेस्क एक आइसोलेटेड जगह पे मूव किया। फोकस मिलने के लिए वो ईयर डिफेंडर यूज करते थे ऑफिस में। ईयर डिफेंडर सिर्फ रोड वर्कर ही यूज करते थे। ईयर डिफेंडर हेडसेट जैसा ही है और कंप्लीट नॉइस कैंसिल करते हैं। नविंदर डे ट्रेडिंग से बहुत प्रॉफिट बना रहे थे और वो एक स्टार हो चुका था ऑफिस में। नविंदर हैज ए स्पेशल स्किल टू रीड द मार्केट मूवमेंट्स। 2008 में वो फ्यूटेक्स छोड़ दिया था। उस टाइम पे उसके पास $2 million सेविंग्स था। अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 2010 फिनेंशियल क्राइसिस एंड रोड टू वेल्थ। 2010 का फिनेंशियल क्राइसिस में यूएस का सब बैंक कोलैप्स हुआ था और सबका मार्केट प्राइस गिरा था। नविंदर जानता था यूएस गवर्नमेंट ये बैंक्स को जरूर हेल्प करेगा। नविंदर फाउंड एन अपॉर्चुनिटी। ये ब्लॉक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उस टाइम मार्केट प्राइस लो था। नविंदर इन्वेस्ट $2 million टू शेयर मार्केट। फ्यू डेज आफ्टर यूएस गवर्नमेंट गिव्स $700 billion टू बैंक्स। ग्रेजुअली मार्केट प्राइस इंक्रीज्ड बाय 19%। आफ्टर दैट नविंदर गेट्स बैक $15 million फ्रॉम शेयर मार्केट। नविंदर कभी ये बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर नहीं किया। वो और भी ट्रेडिंग करते रहता था और एकदम पीसफुल लाइफ जीता था, एक कॉमन मैन की तरह। नविंदर डरता था कि उसका फ्रेंड्स उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे अगर इन लोगों को समझ में आया कि ये बहुत अमीर है। स्टार्टिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT। उस टाइम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग शुरू हुआ था। कंप्यूटर प्रोग्राम्स हाई स्पीड में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करता था। एल्गोरिथम का हेल्प से 3 मिनट में 60 लाख शेयर्स ट्रेडिंग करता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स। सपोज 1 शेयर प्राइस इज ₹10। HFT मैन परचेज 2 करोड़ शेयर्स ऑफ दैट शेयर। व्हेन शेयर प्राइस इंक्रीज बाय 10.60 paisa, ही सेल्स द शेयर। प्रॉफिट इज 60 paisa ऑन 1 शेयर। फॉर 2 करोड़ शेयर हाउ मच ही कैन अर्न? एनी मैथमेटिकल जीनियस हियर?
Can you tell us how much he can earn? Guys, please like this video. It will help for our hard work. Be sure to subscribe. नविंदर 2009 में उसका अल्गोरिदम बनाया और ट्रेडिंग करने लगा। HFT से नविंदर एक दिन में $400,000 अराउंड 2.9 करोड़ और नेक्स्ट डे में $800,000 अराउंड 5.9 करोड़ बनाया था। May 6, 2010 फ्लैश क्रैश। May 6 मॉर्निंग में नविंदर अपना अल्गोरिदम यूज करके 2 करोड़ क्वांटिटी का शेयर्स ऑर्डर प्लेस किया। ही चेंज द ऑर्डर थाउजेंड ऑफ टाइम्स विद द हेल्प ऑफ हिज अल्गोरिदम। मार्केट में आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट हो गया, शेयर्स का प्राइस बढ़ गया। उसके बाद वो ऑर्डर्स कैंसिल भी किया। फाइनली उसने $950,000 अराउंड 7 करोड़ बनाया था। उस दिन उसने ऑर्डर्स कैंसिल करने के बाद 2 मिनट के बाद मार्केट क्रैश हो गया। सडनली मार्केट गॉट क्रैश्ड, नो वन एक्सपेक्टेड दैट क्रैश एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हुआ था। ये एकदम फ्लैश लेवल पे हुआ था। नविंदर उस टाइम पे 36 ईयर ओल्ड था। US रेगुलेटरी कमीशन इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, पर उन लोगों को नविंदर के बारे में कुछ पता नहीं चला। और दूसरा एक डे ट्रेडर को नविंदर का ये एक्टिविटी समझ में आया। उसने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और 5 साल के बाद नविंदर को अरेस्ट किया। मार्केट क्रैश कभी बड़ा बैंकिंग और हेज फंड इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। एक लड़के से कभी भी इतना बड़ा क्रैश कैसे कर पाया? पहले ये लोग भरोसा नहीं कर पाया, पर स्टडी करने के बाद US रेगुलेटरी अथॉरिटीज को उसका सिस्टम समझ में आया। फाइनली नविंदर गॉट अरेस्टेड। उसका ये ऑफेंस था कि ये इलीगल ट्रेडिंग यानी स्पूफिंग में इन्वॉल्व था। व्हाट इज स्पूफिंग? ट्रेडर प्लेसेस मल्टीपल ऑर्डर्स, मार्केट रिएक्ट्स टू लार्ज ऑर्डर, देन ट्रेडर कैंसल द ऑर्डर आफ्टर रिएक्शन, ट्रेडर टेक्स द बेनिफिट ऑफ सिचुएशन। मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए वो US में कोर्ट ट्रायल फेस किया। नविंदर फ्लैश क्रैश से $50 मिलियन बनाया था, बट वो सब नविंदर के हाथ में नहीं था। उसने उसका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ट्रेडिंग करने के लिए शेयर किया था। जब कोर्ट ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछा वेर इज $50 मिलियन, एडवाइजर ने बोला ट्रेडिंग करके वो सब चला गया। एडवाइजर लॉस्ट ऑल मनी इन स्टॉक मार्केट। एट द एंड नविंदर के पास कुछ भी मनी नहीं था। US अथॉरिटीज नविंदर के ऊपर सिंपथेटिक था, क्योंकि सिस्टम का लूपहोल समझने के लिए नविंदर हेल्प किया था और वो इंटेलिजेंट ट्रेडर भी था। US अथॉरिटी नविंदर को एक ग्रीडी क्रिमिनल समझा नहीं, बल्कि वेरी वेरी इंटेलिजेंट सुपर ट्रेडर समझा। फाइनली उसको 1 ईयर का हाउस अरेस्ट मिला था। इनिशियली 360 इयर्स का जेल के लिए चार्जशीट प्रेजेंट किया था जूरी का सामने। बाद में चार्जशीट चेंज किया। सपोर्ट फॉर नविंदर #FreeNav। नविंदर का स्टोरी न्यूज में आने के बाद मीडियास और कमेंटेटर्स नविंदर को मैक्सिमम सपोर्ट किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, उसका नाम था द ट्रेडर एज स्केपगोट। और भी बहुत सारे ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होगा, पर नविंदर को ही अरेस्ट किया था। क्यों 5 साल लगा था नविंदर को अरेस्ट करने के लिए? एक जर्नलिस्ट ने पूछा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में। अभी वो लंदन में एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, पर अभी भी नविंदर के बारे में सीक्रेट्स बाकी है। नविंदर और हर्षित मेहता के बारे में आपको क्या लगता है, प्लीज नीचे कमेंट करो। लेसन्स। Number 1, इट इज ओके इफ यू नो हाउ टू मेक मनी, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू नो हाउ टू इन्वेस्ट और मैनेज मनी, अदरवाइज पीपल विल टेक ओवर। Number 2,
इफ यू कैन क्रिएट ए फोकस और फ्लो इन वर्क यू कुड क्रिएट ग्रेट रिजल्ट्स। लियाम वोग का फ्लैश क्रैश बुक आपको Amazon से परचेज कर सकते हैं, लिंक नीचे शेयर किया है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।